हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुंद्रा क्लासेस। आज हम चौथी वीडियो लेके आ रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर। अभी तक पहली दो वीडियो में हमने देखा कि रिवर्स इंजीनियरिंग की, कि आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दिया था, लैंग्वेज कैसे बनाएंगे। फिर हमने उसके बाद थर्ड वीडियो में देखा कि आपको क्वेश्चन दिए थे रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर। अब हम लोग क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर, और उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे, हार्डन्स थ्योरम्स पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। तो ये चौथी वीडियो है मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो आओ सबसे पहले शुरू करते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है फॉर फॉलोइंग। यहाँ पे इनपुट सिंबल आपको 01 दिया। तो अभी तक हम एबी के ऊपर काम कर रहे थे, 01 भी हो सकता है, PQ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो यहां पहले हमने लिखा था W इक्वल टू 2, तो हमने वो काम कर चुका था पिछले वीडियो में। यहां पे W के साथ एक सिंबल दे दिया 1, कह रहा है 1 कब एग्जैक्टली 2 होने चाहिए, कह रहा है 0 कितने हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 तो 2 होने ही चाहिए। सीक्वेंस में हो, आगे पीछे हो, कैसे भी हो, लेकिन 1 2 होने चाहिए। क्लियर? तो 1 2 होने चाहिए। तो मैंने कहा कि भैया 1 तो पक्की बात है कि 1 तो 2 होने ही चाहिए। तो एक 1 ये लिख दिया, एक 1 लिख दिया ये। अब 0 कितने भी हो सकते हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, 0 का स्टार। क्लियर? 0 का स्टार और 0 का स्टार। क्लियर? तो मैंने क्या, 0 का स्टार पता है आपको, 0 के ऑल कॉम्बिनेशन 0 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
बाद कम से कम नहीं एग्जैक्टली टू ही होने चाहिए, दो ही, दो से ज्यादा बिल्कुल लेना, दो से कम ना दो से ज्यादा, सिर्फ दो होने चाहिए। तो ये है आंसर किसका, W1 is equal to 2. इससे पहले जो हमने किया था सिर्फ W is equal to 2 जो किया था, जो अगर इससे पहले वाली वीडियो में हमने लिखा था W is equal to 2, तो उसमें क्या था एग्जैक्ट लेंथ दो होनी चाहिए, लेंथ दो होनी चाहिए, तो मैंने क्या बताया, तो उसका आंसर क्या था 0 plus 1 का स्क्वायर, क्लियर। तो वो कहता 0 plus 1 का स्क्वायर मतलब क्या है, ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, यहां वहां पे दोनों कॉम्बिनेशन आ सकते थे, यहां पे बात हो रही है 1 की, स्पेशल 1 की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो उससे पिछले वाली वीडियो देख लेना, समझे प्लीज। हां चलो आगे बढ़ते हैं। मॉड ऑफ W1 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, मतलब जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसमें 1 दो से ज्यादा, कम से कम दो और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, अब दो से ज्यादा हो सकते हैं, यहां कम से कम दो तो पहले और दो तो हो, कम से कम एक 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 दो तो है, कम से कम अब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहां मैंने इंस्टेड ऑफ जीरो का स्टार मैंने 0-1 का स्टार लगा दिया, बीच में भी 0+1 का स्टार लगा दिया और यहां पे भी 0+1 का स्टार लगा दिया। इसका मतलब क्या, 1 कम से कम दो बार तो हो गई, अगर मान लो ये एप्साइलन हो गया, ये एप्साइलन हो गया, क्योंकि स्टार में एप्साइलन भी आता है, तो कम से कम दो बार तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और अगर स्टार नहीं लगाए तो 0-1 के कॉम्बिनेशन कितने भी मिल सकते हैं, तो दो से ज्यादा भी 1 हो सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली राइट, बहुत ही सही एक्सप्रेशन है किसका, W1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आती बात यहां वाली बात कि W1 is less than equal to 2, W1 की जो वैल्यू है, अब आप सोच के बताओ, मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप सोच लो उसको कि W1 is less than equal to 2 के लिए हम कैसे कैसे काम करने वाले हैं, यहां पे ऐसा क्या लगा दे कि हमारा काम हो जाए, क्लियर। चलो जल्दी 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और चल, नहीं बता पाया कोई बात नहीं, सोच लिया आपने, समझ लिया, सोचा आपने, चलो अब क्या है कि दो या दो से कम होने चाहिए, तो दो से कम दो भी हो सकता है, दो से कम एक भी हो सकता है, दो से कम जीरो भी हो सकता है। तो यहां पे मैं दो की जगह तो खाली करता हूं, लेकिन यहां पे लिख देता हूं 0 1 प्लस एप्साइलन, और यहां पे लिख लेता हूं 1 प्लस एप्साइलन, क्लियर, या तो 1 हो या तो एप्साइलन हो, और 0 तो कितने भी हो सकते हैं, तो 0 स्टार 0 स्टार और 0 स्टार। आप देखो आप क्या समझ में आ रहा है इसमें, या तो वन अगर दोनों बार 1 1 दोनों का कम से कम दो होंगे, या तो यहां पे सिर्फ एप्साइलन हो गया तो एक बार 1 होगा, या दोनों जगह एप्साइलन हो गया तो 1 एक बार भी नहीं होगा, लेकिन 0 के ऊपर तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं ना, तो 0 तो आ ही सकता है, या एक तरीका और हो सकता है, क्लियर। नहीं समझ में आया, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या कह रहा है, 1 एट मोस्ट 2 हो, ज्यादा से ज्यादा 2-1 हो, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक भी ना हो। तो जब दोनों, जब यहां पे तो एप्साइलन का चॉइस लगा हुआ है ना, तो एप्साइलन का हो सकता है एप्साइलन ही सेलेक्ट हो जाए, तो 1 खत्म हो गया, हो सकता है यहां पे तो एक बार भी 1 नहीं आएगा, इधर एक बार 1 सेलेक्ट हो गया, इधर ना हो, इधर दोनों जगह 1 हो जाए, तो यहां पे ऑप्शन हो गया। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरी पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो देख लो आप, क्लियर। चलो या तो एक ऑप्शन और लिख सकते हैं, या तो एक बार भी 1 ना हो तो सिर्फ 0 स्टार हो, या एक बार 1 हो तो 0 स्टार 1 0 स्टार हो जाए, ठीक है, 1 एक ही बात, या
वन दो बार हो सकता है, तो जीरो स्टार वन जीरो स्टार वन जीरो स्टार, मतलब ये कॉम्बिनेशन आपका बन जाती है। तो या तो आपका ये आंसर हो गया या तो आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने तीन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, किसके जहां पे हमें पर्टिकुलर वन और जीरो की बात की हुई है। आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। चलो ओके तो अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। कह रहे फोर्थ सिंबल फ्रॉम लेफ्ट इज बी, मतलब लेफ्ट से फोर्थ सिंबल बी होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से बोलने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि ए बी ए बी, मतलब लेफ्ट से फोर्थ सिंबल क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेफ्ट से अगर आप काउंट करें लेफ्ट से तो फोर्थ सिंबल बी ही होना चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट से फोर्थ सिंबल बी हो तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन जानिए। बड़े प्यारे क्वेश्चन ऐसे कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ सिंबल फ्रॉम लेफ्ट, तो मतलब इससे पहले तीन सिंबल कुछ भी हो सकते हैं, तो तीन सिंबल कुछ भी हो सकते हैं, तो मैंने क्या लिख दिया a प्लस बी का पावर क्यूब। तो a प्लस बी का क्यूब क्या देगा, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ थ्री, तो मतलब a b के ही ऑप्शंस देगा लेकिन तीन लेंथ के ऑप्शन देगा। इतना तो समझ में आता है ना आपको, अगर नहीं आता है तो आप ये देख लो यार, बिल्कुल तंग करके रख दिया यार, हद कर दिया तुमने। a प्लस बी का पावर टू क्या देगा आपको, लेंथ ऑफ टू। नहीं समझ में आ रहा तो इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दो, तो जब पहले a से मल्टीप्लाई करोगे सबको तो क्या आ जाएगा, a a b a, और फिर जब b से मल्टीप्लाई करोगे तो a b और b b, तो कितनी लेंथ मिल रही है, कितनी लेंथ मिल रही, दो ही तो लेंथ मिल रही, तो ऐसे क्यूब करोगे तो तीन लेंथ मिलेगी। क्लियर, तो इतना तो यार समझ लो, बिल्कुल मतलब हद कर दियो तुम लोग तो। एक तो डस्टर सालक हो जाता है, यही बहुत बड़ी टेंशन है मेरे साथ ना। चलो डस्टर तो मिल गया, चलो क्लियर। तो और एक पेज भी गिर गए, कोई बात नहीं। तो अब समझ में आ गया, तो स्टार्टिंग की तीन लेंथ तो कुछ भी हो सकती है लेकिन चौथा सिंबल बी होना चाहिए। क्लियर, अब इसके बाद कितना भी ए बी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नहीं फर्क पड़ता कितना भी आए तो स्टार हो गया। क्लियर, धांसू समझा रहा हूं मस्त एकदम, ध्यान से समझना ठीक है। चलो कह रहा है 25th सिंबल फ्रॉम राइट इज ए, मतलब राइट से 25वां सिंबल क्या होना चाहिए। आप समझ गए, मैं 100% बता रहा हूं आप समझ गए। 25वां सिंबल तो 24 कुछ भी हो, तो a प्लस बी से की पावर 24, तो इधर से 24 कुछ भी हो लेकिन जो 25वां होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, और उसके बाद कुछ भी हो तो यू कैन सिंपली राइट a प्लस बी का स्टार। क्लियर हो गया, लिख दिया, सॉलिड हो रहा है, मजा आ रहा है, आगे बढ़ो। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है सच में यार, बहुत वाओ, मतलब समझ रहे हो ना, वाओ वाला है। चलो कह रहा है कि स्ट्रिंग ऑफ लेंथ क्या होने चाहिए, जीरो मॉड थ्री, मतलब क्या कि अगर उस लेंथ को हम तीन से मॉड ले तो आंसर क्या होना चाहिए, जीरो। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, कह रहा है कि वो वाली स्ट्रिंग बनाओ जिस स्ट्रिंग को अगर हम तीन से मॉड ले तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो। अब कौन कौन सी ऐसी स्ट्रिंग है जिसको अगर हम तीन से डिवाइड करें तो लेंथ जीरो है, एक तो स्ट्रिंग है जीरो लेंथ की, जीरो को तीन से डिवाइड करोगे आंसर यू विल गेट जीरो। अगर तीन को तुम तीन से डिवाइड करोगे रिमाइंडर यू गेट जीरो, छह को तीन से डिवाइड करोगे रिमाइंडर यू गेट जीरो, ऐसे ही नौ और बारह, पागल थोड़ी कि मैं लिखता ही रहूंगा इसी को, ठीक है समझ में आ रहा है ना, बस फैशन टेंशन नहीं लेते। क्लियर, तो अब देखो भाई मेरे भाई समझो, तो ये स्ट्रिंग्स हो सकते हैं ना, ये स्ट्रिंग्स आपके हो सकते हैं जिसको क्या करें कि अगर हम तीन से डिवाइड करें तो यू गेट व्हाट आंसर, यू गेट आंसर व्हाट, यू गेट आंसर जीरो। तो आओ लिख देते, इसके लिए बना देते, बहुत इजी है यार, टेंशन लेने की बात थोड़ी है, इसको बना देते। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ऐसा कर लो ए प्लस बी का क्यूब, तो क्या हो गया तीन लेंथ तो प्रोड्यूस हो रही है लेकिन मुझे जीरो लेंथ भी चाहिए, तो मैंने उसके ऊपर क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया। तो क्या क्या कौन कौन सी लेंथ प्रोड्यूस हो रही है, स्टार से क्या होता है, एक बारी पावर जीरो होगी तो जीरो इंटू थ्री जीरो हो गया, तो एक बारी जीरो लेंथ प्रोड्यूस हो रही है, जब स्टार की पावर वन होगी तो एक बारी थ्री लेंथ, स्टार की पावर स्टार टू होगा तो थ्री टू सिक्स हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद स्टार तुम्हारा थ्री होगा तो थ्री थ्री नाइन हो जाएगा और फोर होगा, तो इस तरीके से तुम्हारा पावर बदलता जाएगा और तुम्हारा काम होता रहेगा। तो ये हो गया आंसर तुम्हारा किसका, ए प्लस बी का क्यूब का पावर स्टार, यू गेट द आंसर, यू गेट द आंसर। क्लियर, आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। देन कम्स यहां इस क्वेश्चन पे, कह रहे हैं हमें वो लेंथ चाहिए जिसको हम तीन से मॉड ले तो आपको रिमाइंडर टू आना चाहिए, तो कौन कौन से हो सकते हैं, जब टू को आप थ्री से डिवाइड करोगे तो आंसर यू गेट टू, एक बार जब पांच को तुम करोगे तो यू गेट आंसर टू, एक बार तुम पांच इसमें तीन जोड़ दो तो पांच तीन आठ, आठ को जब तीन से करोगे देन यू गेट रिमाइंडर टू, तो इस तरीके से आपको मिलता रहेगा। तो आपको मेनली कंसंट्रेट करना है किसमें, मॉड थ्री पे, बस इतना याद रखना। तो मॉड थ्री का तो आपने बना ही लिया है,
ए प्लस वी का क्यूब का स्टार, और ये तो हो गया तीन लेंथ, लेकिन आपको मिनिमम दो लेंथ चाहिए, तो ये लग गया ए प्लस बी का स्क्वायर। लो हो गया आंसर, देन यू गेट द आंसर क्लियर। तो क्या कम से कम यहाँ पे दो लेंथ तो मिलेगी, अगर यहाँ जीरो भी मिल रहा है यहाँ पे दो लेंथ मिल रहा है, और यहाँ पे अगर वैल्यू यहाँ पे वन है तो दो और तीन कितना हो गया पांच, यहाँ पे वैल्यू टू है देन टू इज व्हाट गिव्स यू सिक्स, और छह और दो कितना हो गया आठ, मिल गया आंसर, बनने लगे स्ट्रेंथ क्लियर। तो ये हो गया आपका धांसू वाला आंसर, किसका, रेगुलर एक्सप्रेशन का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहा है, एक पर्टिकुलर सिंबल की बात कर रहा है। वो सिंबल कह रहा है कि आपके पास कितने बी आने चाहिए, कह रहा है कितने बी आने चाहिए कि आपको उतने बी आने चाहिए, जब आप उन 20 को जब दो से डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर क्या आए, जीरो आए, क्योंकि एक तो जीरो हो सकता है, एक भी बी ना आए, एक क्या हो सकता है दो हो सकता है, एक क्या हो सकता है चार हो सकता है, छह हो सकता है, इस तरीके से क्लियर। तो आपको एक मैं गुरु मंत्र दे रहा हूं, जितना यहां पे वैल्यू लिखी उतना तो आप बना ही लिया करो क्लियर। तो क्या करो, एक तो बी बनाओ दो बार, एक बार बी बनाओ तो दो बार तो एटलीस्ट बना ही लो, और यहां पे कितना भी ए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी ए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी ए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसके ऊपर क्या बना लो स्टार क्लियर। तो क्या होगा कि एक बार जब ये पावर जीरो हो जाएगा तो जीरो लेंथ मिल जाएगा, जब पावर वन होगा तो कम से कम दो बी तो मिलेगा ही मिलेगा क्लियर, उसके बाद पावर टू होगा तो दो दो चार बी मिल जाएगा, आगे पीछे कितना भी ए हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यू फाइनली गेट दिस आंसर क्लियर। तो ये आपको आंसर मिल गया, किसका किसका मिल गया, लेंथ ऑफ बी इज ग्रेटर देन सॉरी लेंथ ऑफ बी फॉर मॉड टू यू गेट आंसर जीरो क्लियर। चलो अब ये देखो, फिर मैंने आपको बताया मॉड थ्री किसके लिए चाहिए, एक कम से कम तीन ए तो चाहिए आपको, तो कम से कम तीन ए चाहिए आपको। मैं इसको इस आंसर को थोड़ा नीचे लिख, क्वेश्चन को नीचे लिख ले रहा हूं, टू मॉड थ्री, ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा नीचे लिख ले रहा हूं ताकि मुझे, दसवां क्वेश्चन था ताकि मुझे आंसर यहां लिखने को जगह मिल जाए। कह रहा है कि मॉड थ्री मतलब किसी भी इतने ए चाहिए कि जब हम उसको तीन से डिवाइड करें रिमाइंडर कितना है, वन है। तो कुछ नहीं, आप सबसे पहले क्या करो, इतना कितने ए चाहिए वो लिख लो, कितने ए चाहिए, तीन ए चाहिए, ए ए ए, उसके बाद बी स्टार, बी स्टार, बी कितने भी आए आसपास बाहर कितने भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर क्या लगा दो स्टार, क्योंकि आपको पता है तीन के मल्टी, फिर आपको उनके उनमें चाहिए, लेकिन यहां बाहर कितने ए चाहिए आपको, कम से कम एक ए चाहिए, तो एक ए, इसके आगे पीछे कितना भी स्टार हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लो मेरे भाई, देख लो, अगर ये जीरो भी हुआ तो कम से कम एक ए तो मिल रहा है ना, कितने ए चाहिए, देखो मेरी बात समझो, कह रहे हैं ऐसी लेंथ चाहिए जब हम उसको तीन से डिवाइड करें तो कम से कम एक तो आए, तो भैया एक तो एक हो गया, एक क्या हो गया चार हो गया क्लियर, चार मतलब तीन से डिवाइड करोगे कम से कम एक मिलेगा ही ठीक है, और इसमें चार और एक आठ, एक सात हो गया, सात में तुम तीन से डिवाइड करोगे तो सेवन, सात को तीन से डिवाइड करोगे थ्री टू सिक्स, वन रिमाइंडर मिल गया, तो यू गेटिंग, यू आर गेटिंग दैट ऑप्शंस क्लियर। अगर एक बार जीरो तो सब एक, एक बार वन हो तो कितने ए मिल रहे, एक दो तीन ए यहां से, चौथा ए यहां से क्लियर। तो ये हो गया, अब इसको अपने आप से लिखो, मैंने ही बताऊंगा बार बार, एकदम घटने वाली आदत करके यार तुमने तो हद काट दी, मॉड थ्री है ना, लिख लो जल्दी से, किसके लिए करना है, बी के लिए करना है, जल्दी करो, तीन बी की जगह बनाओ जल्दी जल्दी फटाक से, तीन बी की जगह बनाओ जल्दी बनाओ, एक बी दो बी तीन बी, तीन बी बना लो, ये बी ये बी ये बी क्लियर, आगे पीछे कितना भी ए हो, ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए स्टार, अब बाहर आओ, बाहर दो कम से कम आपको बी चाहिए, दो बी चाहिए तो दो बी लिख लो क्लियर, अब आगे पीछे कितना भी ए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए स्टार सो दिस वॉज All about regular expression, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आपका कुछ नहीं हो सकता, कसम से इलाज कराओ जाके डॉक्टर के पास, क्योंकि अगर अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहे हो तो ऑब्वियस है यार, एक बार और वीडियो घुमा के देखो, समझ में तो आना ही है, ये तो मैं बोल रहा हूं आपको, मैं बोल रहा हूं आपको समझ में तो आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि समझ में ना आए आपको। तो दिस वॉज ऑल अबाउट रेगुलर एक्सप्रेशन क्वेश्चन, आगे आने वाली वीडियो में देखते हैं कि और कितने क्वेश्चन बचे हैं मेरे पास, कितना खजाना अभी बचा है मेरे पास, लेट्स सी। तो दिस वॉज क्वेश्चन ऑन रेगुलर एक्सप्रेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज लाइक एंड subscribe the channel, thank you so much, and ask your friends to please subscribe the channel if you're really liking this, myself Professor Kundra, and this is my channel Kundra Classes, and once you start getting results it becomes your addiction, thank you so much, thank you.